भरतपुर के नदबई में पुलिस टीम और साथी गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसी दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस की ओर से गो तस्करों पर करीब 10 राउंड फायर किए गए तो वहीं गो तस्करों ने करीब एक दर्जन से भी अधिक राउंड फायर कर दिए। पुलिस की ओर से फायर होते देख गो तस्कर पिकअप गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो निकले। पुलिस ने पिकअप गाड़ी सहित गाड़ी में सवार 8 गोवंश को जब्त करते हुए गौशाला के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि गो तस्कर 2 अलग अलग पिकअप गाड़ी में डैमरोड से नदबई बाईपास होकर कुम्हेर की ओर जा रहे थे। नदबई क्षेत्र के गांव बोलेरो सामी गो तस्करों की पुलिस गश्ती दल से मुठभेड़ हो गई और इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी सहित गो तस्कर भागने में सफल हो गए। पुलिस की ओर से पकड़ी गई गाड़ी में 8 गोवंश बरामद हुए हैं। आज सुबह करीब 4:30 बजे हम पुलिस में स्वयं पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे तो दौरान गश्त एक दो टाटा 407 आदि दिखाई दी जिनको रुकवाने की कोशिश की तो रोका नहीं रोका उन्होंने और पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी जिनका पीछा किया और दोनों तरफ से गोलियां चली। करीब 10 राउंड फायर पुलिस की तरफ से किया गया। इसमें टाटा 407 के टायर में गोली लगी। वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जंगल में भाग गए और तलाशी के दौरान 8 गोवंश जिनमें 7 जीवित और 1 मृत पाया गया।